नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजार रुका में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजार रुका में चर्चा करेंगे हम यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और कमोडिटी बाजार आज कैसा रह सकता है, कुल मिलाकर किस कमोडिटी में कितनी मंदी तेजी बनेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से, और सोने और चांदी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूपा मेहता। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीबी पर। रूपा जी, गोल्ड में देख रहे हैं कि $1,855 पर ट्रेड कर रहा है और सिल्वर भी $21.8 पर। रूपा जी, फेड की तरफ से तो लगातार बयान आ रहे हैं कि महंगाई को काबू में करने के लिए बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने की आवश्यकता है ही, दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी ऐसी बोल दिया है कि जो बेसिस पॉइंट्स है बढ़ाए जाएंगे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर का जो बाजार है ये उठापटक के साथ ट्रेड कर रहा है, या फिर इसके कुछ अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड में ऐसा ट्रेड देखा जा रहा है? देखिए, अभी सोना और चांदी ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन डॉलर के अंदर कल हमने ट्रेंड आते हुए देख लिया और इसी के साथ यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में भी इम्पैक्ट आया है। यूएस की तरफ से डिमांड इंक्रीज हुए हैं जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन बाजार अभी भी पॉजिटिव है। स्टिल मार्केट काफी पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे कि ऐसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व एक बार फिर से 0.5% जो है पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक कर सकते हैं और उसका भी इम्पैक्ट जो है आगे चलकर मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो डॉलर में स्ट्रेंथ आई है उसकी वजह से हल्की वीकनेस सोने के अंदर बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई गिरावट की उम्मीद नहीं है। यहाँ से सोना अगर फिसलता भी है तो $1,840 इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है, वहां से अगेन जो है एक बार खरीदारी देखने को मिल सकती है। और नीचे में अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 50,800 तक मैक्सिमम डाउनसाइड देख सकते हैं, 50,800-50,600 ये लेवल हो सकते हैं नीचे के, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बाइंग में रहना चाहिए। सोने और चांदी में जब भी करेक्शन आती है उसमें खरीदारी करके चला जा सकता है। सेम एज इट इज चांदी भी पॉजिटिव लग रही है, चांदी में भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है डाउनसाइड, 61,400 तक नीचे लुढ़क सकता है और 61,400 से के आसपास जो एक बार फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है, और आने वाले समय में चांदी 63,000 तक का स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, ये भी खबरें हैं कि गोल्ड और सिल्वर में हेजिंग ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको क्या लगता है, क्या हेजिंग अगर ज्यादा होगी तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस और ऊपर हो जाएंगे? देखिए, अपना सवाल दोबारा दोहराइए रूपा जी। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं गोल्ड सिल्वर की मार्केट से, बुलियन मार्केट से, कि गोल्ड और सिल्वर में हेजिंग ज्यादा बढ़ गई है, तो रूपा जी अगर जब हेजिंग ज्यादा बढ़ती है तो क्या गोल्ड और सिल्वर की मार्केट ऊपर जाएगी अभी? और देखिए, गोल्ड और सिल्वर में ऐसा नहीं है कि हेजिंग ज्यादा देखने को मिल रही है, हमेशा से ही गोल्ड और सिल्वर में जो भी फिजिकल ट्रेडर्स है वो हेज करके चलते हैं अपने आप को, जो भी हैवी पोजीशन लेकर चलते हैं। और अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर का, वो एक मार्केट के ऊपर डिमांड करेंसी का इम्पैक्ट आता हुआ फिलहाल बाजारों में दिखाई दे रहा है, और ऐसी स्थिति में जो अब स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से इन्फ्लेशन है, तो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर ही एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा और सोना और चांदी एक सेफ हेवन डिमांड के रूप में निकलकर आगे आएंगे। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर इनमें तेजी बनी रह सकती है और प्राइसेस जो है 1880 तक ऊपर जा सकते हैं। जी रूपा जी, कच्चे तेल में क्या लगता है आपको, ये जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है, बैठक उसने कल की थी कि रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने के बारे में डिसीजन लेगा, दूसरा मार्केट में भी सप्लाई देख रहे हैं टाइट है, अमेरिका का एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है क्रूड का, तो इन सब के मद्देनज़र आपको क्या लगता है, क्या क्रूड के जो दाम है वो अभी और बढ़ेंगे? देखिए बिल्कुल, अभी क्रूड के दाम और बढ़ते हुए दिखाई देंगे और अभी यहाँ से जैसा कि हमने पहले कल भी डिस्कस किया था कि क्रूड जो है ऊपर में $120-$121 तक ऊपर फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और इंपोर्ट जो है रशियन जो है वो क्या क्रूड में जो तेजी है वो जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर है उसकी वजह से स्पेशली देखने को मिल रही है, और अभी भी मार्केट जो है वो ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है। और आज हमने डोमेस्टिक मार्केट में देखा कि जो 9,000 का स्तर हम लगातार बताते आ रहे थे कि देखने को मिल
सकता है, मार्केट उसको भी ब्रीच कर चुका है और आज 9100 के ऊपर मार्केट निकल चुका है। तो अब यहाँ से क्रूड जो है अगर यहाँ पर $120 के ऊपर निकलता है विदेशी बाजारों में, तो डोमेस्टिक मार्केट में एक अच्छी रैली आ सकती है। यहाँ से अगेन 9200 के पार अगर सस्टेन हो गया तो आपको आने वाले टाइम में 9300 से लेकर 9500 का स्तर भी हो सकता है कि कच्चा तेल दिखला दे, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली में अभी फिलहाल बाजार आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड और सप्लाई का कंसर्न लगातार बढ़ता जा रहा है, उनका गैप जो है वो काफी बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार कच्चा तेल सपोर्ट ले रहा है, तो आगे चलकर कच्चे तेल में तेजी बनी रह सकती है। जी रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है? हमने बेस मेटल्स की भी यहाँ पे कुछ चमक बढ़ती हुई देखी, लोअर लेवल बाइंग हमने यहाँ भी इनिशिएट होते हुए देखी है। देखिए बेस मेटल में भी पॉजिटिव रुझान बना है और जैसे जैसे अभी डिमांड चाइना की तरफ से पिकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे वैसे आप देखिए इसमें तेजी की ओर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर पॉजिटिव है, कॉपर के साथ साथ जिंक में भी वापसी से खरीदारी लौटी है, एल्यूमिनियम में भी तेजी आ रही है, तो ओवरऑल सारे बेस मेटल्स जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कॉपर अब 800 के पार जा सकता है और वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक में भी 340 तक के ऊपर के स्तर एक बार दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, नॉन एग्री में नेचुरल गैस में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी बढ़ी है, तो नेचुरल गैस में क्या लगता है आपको? एक तरफ तो माइल्ड वेदर की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जो आउटपुट है नेचुरल गैस का वो थोड़ा कम होता नज़र आ रहा है, तो ऐसे में नेचुरल गैस का बाजार और प्राइसेस अब क्या रहेंगे? देखिए अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहने वाला है मार्केट, आज उनकी करेक्शन जरूर देख सकते हैं, मिल रहा है नीचे में 660 तक का रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 660 नीचे में जो हिस्सा है आज मार्केट तो 660 तक वो नीचे जा सकता है, और ऊपर की बात करें तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस आने वाले दिनों में एक बार फिर से 700 के पार जाती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या रहेंगे आज के लिए आपकी तरफ से? देखिए मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में खरीदारी करके चलें, बेस मेटल में आगे चलकर पॉजिटिव मार्केट जो है वो बना रह सकता है, और इसके साथ साथ कच्चा तेल काफी अच्छा है, यहाँ पर कच्चे तेल में भी खरीदारी की जा सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।